की तरह आज मैं आपके लिए फिर से एक न्यू एप्लीकेशन लेकर आया हूँ जो NBFC द्वारा और RBI द्वारा वेरीफाई है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो अगर आप इससे लोन लेते हैं तो 500 रुपये से लेकर 20,000 का लोन है। पेन इंडिया पर आप ले सकते हैं। 61 डे से लेकर 365 दिन की आप EMI बना सकते हैं। और जो इंटरेस्ट रेट की बात करें तो यहाँ पर आपके लिए देख लेना है प्रोसेसिंग फ़ीस के वगैरह के बारे में यहाँ पर सभी डिटेल से दी गई है। अब आपके लिए लोन की आवश्यकता है और आप लोन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपके लिए बता दूं कि आपकी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। क्राइटेरिया के लिए आप इंडिया के रहने होने वाले चाहिए, आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए। अगर आप सैलरीड हैं तो सैलरीड आपके लिए लोन मिल जाएगा। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं तब भी आपके लिए लोन मिल जाएगा। अगर आप एक स्टूडेंट भी हैं तब भी आपको लोन दे दिया जाएगा। लोन केवल आपके लिए 2 डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मिलता है, आधार कार्ड और पैन कार्ड, और केवल आपकी सेल्फी होनी चाहिए। आपके लिए लोन है इस एप्लीकेशन से मिल जाएगा। अच्छी एप्लीकेशन है। लोन लेने के लिए आपके लिए प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड किस एप्लीकेशन को करना है यहाँ पर आपके लिए नाम देख लेना है। रिपीट रुपी यहाँ पर पर्सनल लोन ऐप को यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। जैसे इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आता है, आप किस लैंग्वेज में एप्लीकेशन को चलाना चाहते हैं, इंग्लिश या हिंदी। अगर इंग्लिश में चलाना चाहते हैं तो नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सभी परमिशन को अलाउ कर देना है और यस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। टिक के ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर से यस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। सभी परमिशन को अलाउ करना है। उसके बाद यहाँ पर अपना नंबर यहाँ पर डालना है जो आपके आधार कार्ड से लिंक है। मोबाइल नंबर डालने के बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगी। उस OTP को आपके लिए यहाँ पर फिलअप कर देना है। जैसी OTP आपके मोबाइल नंबर पर आती है तो यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद टिक के ऑप्शन पर क्लिक करके सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब मैं आपके लिए बता दूं कि एप्लीकेशन यहाँ पर क्या करती है कि 500 रुपये से लेकर यहाँ पर 10,000 का लोन प्रोवाइड कराती है। यहाँ पर एप्लीकेशन में यहाँ पर खुलकर आ रहा है। यहाँ पर अगर लोन लेते हैं तो यहाँ पर 61 दिन की EMI बना सकते हैं, 62 दिन की भी EMI यहाँ पर बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 500 रुपये से लोन ले अगर ज़्यादा लेना चाहते तो ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना है और इस प्रकार से अमाउंट बढ़ाना है। फिर से ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना है, इस प्रकार से ऐसे करके बढ़ाना है। तो यहाँ पर केवल यहाँ पर अभी तक 2,000 रुपये का मिनिमम लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने नेक्स्ट के यहाँ पर कर दिया क्लिक। इसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। जैसे ही इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आता है यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम आपके लिए भरना होगा और यहाँ पर लास्ट नेम भरना है। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड आपका जो भी है वो भरना है, आपका मेल या जीमेल जो जेंडर है आपका वो भरना है। उसके बाद नीचे डेट ऑफ बर्थ भरनी है, फादर का नेम भरना है, मदर नेम भरना है, एजुकेशन आपकी क्या है वो भरनी है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप लोन लेते हैं तो यहाँ पर गारंटर को भरना होता है कि आपको किसके द्वारा किस गारंटर को बनाना चाहते हैं, जैसे ब्रदर है, सिस्टर है, जिसको भी बनाना चाहते हैं उसका यहाँ पर डिटेल भरनी होगी। इसके बाद यहाँ पर गारंटर का नेम होगा, इसके बाद गारंटर का मोबाइल नंबर यहाँ पर भरना होगा। तो सभी डिटेल्स एक एक करके आपके लिए भर लेनी है। उसके बाद में नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे हम नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे सभी डिटेल्स भरने के बाद, उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। जैसे ही इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आता है तो यहाँ पर लिखा हुआ करंट लिविंग मतलब कि एग्रीमेंट आपके लिए करना होगा। तो एग्रीमेंट में रजिस्टर्ड आपके लिए एड्रेस भरना होगा, उसके बाद सिटी भरनी होगी, पिन कोड, उसके बाद टिक के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आपका दोनों सेम एड्रेस है तब, सेम एड्रेस नहीं है तो यहाँ पर आपके लिए अलग अलग एड्रेस भरना होगा। अगर सेम है तो टिक के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो सभी डिटेल भरने के बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर आपके लिए क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। जैसे ही हम नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल्स भरनी होगी, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट टाइम में आप कैसे एम्प्लॉय, सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉय। तो मैं सेल्फ एम्प्लॉय भर लेता हूँ। आपकी मंथली इनकम कितनी है तो मैं मंथली इनकम भर लेता हूँ। उसके बाद पैन कार्ड का नंबर भरना है और आपका आधार कार्ड का नंबर भरना है। उसके बाद यहाँ पर डिटेल्स भरनी है कि यह मनी आपके लिए कितनी चाहिए, कितना लोन आपको आपको चाहिए। उसके बाद ईमेल आईडी और टिक के ऑप्शन पर क्लिक करके आपके लिए नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे हम नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपकी बैंक की डिटेल्स मांगी जाएगी, जैसे कि बैंक का IFSC कोड, बैंक का नेम क्या है, यहाँ पर ब्रांच का नेम क्या है, ब्रांच सिटी कहाँ है, उसके बाद अकाउंट नंबर, उसके बाद कन्फर्म अकाउंट नंबर, उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आधार कार्ड अपलोड करना होगा, जैसे कि आधार कार्ड का फ्रंट साइड फोटो अपलोड करना, बैक साइड फोटो अपलोड करना, पैन कार्ड का फोटो अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर सेल्फी अपनी अपलोड करनी है, उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे अब नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। आधार कार्ड की मतलब की वेरीफाई करना होगा, केवाईसी करनी होगी। तो केवाईसी करने के लिए यहाँ पर आपके लिए आधार कार्ड का वो जो डिटेल्स है वो भरनी है, उसके बाद वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आधार वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर आधार नंबर डालना है, उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक कर उस पर एक ओटीपी जाएगी, उस ओटीपी को आपके लिए यहाँ पर फिलअप कर देना है, उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप सबमिट पे क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपसे 6 डिजिट का एक सिक्योरिटी पिन मांगा जाएगा, जो आपके लिए पता होना चाहिए। अगर आपने डिजी लॉकर में कभी भी अकाउंट बनाया है तो 6 डिजिट का एक पिन बनाया होगा, वो यहाँ पर एंटर करना है। अगर आप पिन भूल चुके हैं तो आपके लिए फॉरगेट पे माई पिन के ऑप्शन पर क्लिक करके जो भी डिटेल्स मांगी जाएगी उसको फॉरगेट करके नया पिन बना के यहाँ पर आपके लिए डालना होगा। तो अगर पिन याद है तो डालकर आपके लिए डन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप डन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब नीचे आपके लिए अलाउ का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपके लिए क्लिक कर देना है। दोस्तों क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी आधार कार्ड की जो डिटेल्स है वो कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगी, यहाँ पर कंप्लीटेड लिख कर आ जाएगा, वेरीफाई भी हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर आपकी रिपोर्ट मांगी जाएगी, तो यहाँ पर टिक के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आपकी रिपोर्ट यहाँ पर सबमिट हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, इस प्रकार का लिख कर आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर फिर से क्लिक करना है। जैसे हम नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऑफर निकल कर आ जाएगा, जितना भी लोन दिया जाएगा वो इस प्रकार से यहाँ पर लिख कर आ जाएगा। जैसे कि मेरे केस में यहाँ पर 500 रुपये का लोन है, केवल आधार कार्ड और पैन कार्ड से यहाँ पर मिला है, और यहाँ पर कंग्रेचुलेशन भी लिख कर आ रहा है, और यहाँ पर लिख कर आ रहा है योर लोन अप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुल सबमिटेड, आपकी अप्लीकेशन है जो भी लोन आपने अप्लाई किया था वो यहाँ पर सबमिट हो चुका है, और कुछ देर के अंदर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यहाँ पर डन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों डन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर लिख कर आ रहा है लोन अप्लीकेशन इन प्रोग्रेस, और यहाँ पर जो भी लोन आपने लिया था 500 रुपये का लोन लिया था वो यहाँ पर 61 दिन के लिए क्लिक किया था, या जो भी दिन के लिए क्लिक किया था वो इस प्रकार से आता होगा। और 61 दिन के लिए अगर 500 रुपये का लोन लेते हैं तो आपके लिए 648 रुपये आपके लिए देनी होगी एक बार में EMI, और टोटल आपको यहाँ पर पेमेंट हो जाएगा। ऐसे ही धीरे धीरे करके आप जब भी लोन अप्लाई करेंगे इसमें, तो ऐसे ही धीरे धीरे आपकी लिमिट बढ़ती रहेगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोन मिलता रहेगा। सेम एप्लीकेशन है, आपके लिए बता दूं कि मतलब कि जो ब्रांच एप्लीकेशन है कि उसी की तरह एप्लीकेशन है, पहले कम लोन देती है केवल आधार कार्ड पर और पैन कार्ड पर, जब धीरे धीरे लिमिट बढ़ाती रहती है। तो आपके लिए फर्स्ट बार कम ही लोन मिलेगा, अगर आपका सिविल कम है तब भी मिल जाएगा, अगर सिविल ज़्यादा है तब भी आपके लिए बढ़कर मिल सकता है। तो इस प्रकार से इस एप्लीकेशन से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों जय।